दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर से एमसीक्यूज। और आज जो वीडियो होने वाली है ये पार्ट टू होने वाली है। इससे पहले हम लोग पार्ट वन कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग 21 से आगे करेंगे। दोस्तों जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं और जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। इन जनरल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ए सेम डे, बी नेक्स्ट डे, सी वंस इन अ वीक, डी वंस इन अ मंथ। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है इन जनरल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। देखिए बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है जनरल में वो किस दिन होती है, क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए सेम डे। जितने भी लेन देन होते हैं उसकी एंट्री जर्नल में सेम डे की जाती है, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं ए जर्नल विच इज़ ऑल्सो नॉन एज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, सेम डे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड ए डेली, बी वीकली, सी मंथली, डी एनुअली। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ ए एसेट्स, बी लायबिलिटीज, सी कैपिटल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, यानी कि बैलेंस शीट जो है एक विवरण है। तो किसका विवरण है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल है। तो देखिए जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये सभी रहते हैं उसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ एंट्रिंग ऑल ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड ए पोस्टिंग, बी एंट्री, सी अकाउंटिंग, डी नन ऑफ दिच। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ द प्रोसेस ऑफ एंट्रिंग ऑल ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। तो देखिए क्या होता है कि बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी एंट्री सबसे पहले जर्नल में होती है और जर्नल के बाद जितने अमाउंट होते हैं उसका ट्रांसफ़र किया जाता है लेजर में, ठीक है। और इसका जो प्रोसेस होता है जर्नल से लेजर में ले जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं पोस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, पोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी एट एनी गिवन टाइम, ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी एट एनी गिवन टाइम। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस को किसी भी समय बताता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में दिए हुए हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता नहीं कर पाएंगे। बी में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में केवल आपको ये पता चलेगा कि नेट प्रॉफिट क्या है और नेट लॉस क्या है। और सी में दिया हुआ है बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट में जो है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता चल जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी ट्रायल बैलेंस, सी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, डी बैलेंस शीट। जब आप रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यूज एक्सपेंसेस के स्टेटमेंट आप बनाते हैं तो ये जो अमाउंट होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गया या रेवेन्यूज इनकम हो गया ये आप प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं। तो आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट के तहत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेंस आर क्रेडिटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। डबल एंट्री इंप्लाइज डैट ए रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन जनरल, बी रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन लेजर अकाउंट, सी रिकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, डी रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजेक्शन इन बुक्स। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है डबल एंट्री इंप्लाइज डैट, यानी कि डबल एंट्री से तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, रिकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके टू एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, रिकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ रियल अकाउंट, ए रेंट एक्सपेंस अकाउंट, बी रेंट इनकम अकाउंट, सी इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट, डी कैश अकाउंट। तो क्वेश्चन में जैसा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ रियल अकाउंट, इनमें से कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसको हम लोग रियल अकाउंट
क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई देखने से पता चल रहा है, रेंट एक्सपेंस जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट के तहत आता है और रेवेन्यू एक्सपेंस इसको हम लोग मानते हैं। ठीक है, रेंट इनकम जो हो गया वो रेवेन्यू इनकम होता है, और इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट ये भी नॉमिनल अकाउंट के तहत, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जो होता है, कैश तो वैसे रियल होता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, कैश अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, द फॉलोइंग आर द करेंट लायबिलिटीज, ए बिल्स पेबल, बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सी बैंक ओवरड्राफ्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, द फॉलोइंग आर द करेंट लायबिलिटीज, में से जो है करेंट लायबिलिटी कौन कौन है। तो देखिए, करेंट लायबिलिटी जो है बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटी में आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो भी करेंट लायबिलिटी में आता है, क्योंकि एक्सपेंस आपको देना है तो आपकी लायबिलिटी हो गई, और बैंक ओडी बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो उसको भी हम लोग करेंट लायबिलिटी मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, कीपिंग द लॉग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इज कॉल्ड, ए रिकॉर्डिंग, बी समराइजिंग, सी ग्रुपिंग, डी प्रोसेसिंग। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, कीपिंग द लॉग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इज कॉल्ड, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जो आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को हम लोग जर्नल एंट्री भी कहते हैं, और उसमें हम लोग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, आर एसेट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड व्हेन दे इंक्रीज, ए डेबिटेड, बी बोथ कैन बी डन, सी क्रेडिटेड, डी एसेट्स आर नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा, आर एसेट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड व्हेन दे इंक्रीज, जब एसेट इंक्रीज करता है, ठीक है, एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, तो यही क्वेश्चन कह रहा। तो देखिए, जब भी आप एसेट बढ़ाते हैं, आपके पास एसेट आता है, आप परचेज करते हैं एसेट, तो एसेट क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो एसेट डेबिट होता है, और कैश या बैंक जिससे आप पेमेंट करते हैं, या क्रेडिटर जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, डेबिटेड। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, ए कीपिंग द बेसिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बी प्रोवाइडिंग दिस रिकॉर्ड टू द बिजनेस मैनेजमेंट, सी बोथ, ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन में कह रहा, व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन में दिए हुए, ए कीपिंग द बेसिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन के जो बेसिक रिकॉर्ड होते हैं उसको रखने का काम होता है बुक कीपिंग का। ठीक है, और बी में दिया, प्रोवाइडिंग द रिकॉर्ड टू द बिजनेस मैनेजमेंट, और जो भी आप रिकॉर्ड रखते हैं उसको मैनेजमेंट को आप प्रोवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर समटाइम्स रेफर टू एज, ए बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, बी बुक्स ऑफ सेफ्स एंट्री, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर समटाइम्स रेफर टू एज, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कभी कभी क्या होता है कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को हम कुछ और भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री जर्नल एंट्री को हम लोग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज डन, ए टू टाइम्स ए ईयर, बी वंस ए ईयर, सी फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, डी एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। तो देखिए, क्या होता है, जब बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं और बिजनेस ट्रांजेक्शन के जो रिकॉर्डिंग की जाती है उसका जो प्रोसेस होता है, तो वो क्या होता है, एक साल में दो बार, या एक साल में एक बार, या एक साल में बार बार, या एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, या अकाउंटिंग पीरियड के एंड में आप इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो देखिए, बिजनेस के ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो पर डे होते हैं, और उसको उसकी रिकॉर्डिंग पर डे की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, जनरल जर्नल इज अ बुक ऑफ ब्लैंक एंट्रीज, ए फर्स्ट, बी ओरिजिनल, सी सेकेंडरी, डी जेनरिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, ओरिजिनल। जनरल जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन डिफरेंट जर्नल इज कॉल्ड, ए पोस्टिंग, बी एंट्री मेकिंग, सी एडजस्टिंग, डी जर्नलाइजिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट ब्लैंक अकाउंट्स, वन टू थ्री,
इनफाइनाइट। तो देखिए जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं वो कम से कम दो अकाउंट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, टू। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। द अदर नेम ऑफ द जर्नल इज कॉल्ड ए लेजर, बी ट्रेडिंग अकाउंट, सी डे बुक, डी कैश बुक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डे बुक, ठीक है। जर्नल का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग डे बुक के नाम से भी जानते हैं, डायरी के भी नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, डे बुक। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इज ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, बी एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सी नन ऑफ दिच। क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट इज, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है। रिवेन्यू सेल होता है तो रिवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं, और सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वी ए डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग, बी डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम सेल्स, सी डिडक्ट ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डी लुक इन द स्टॉक अकाउंट। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी, तो फिनांशियल ईयर के एंड के दौरान क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग। देखिए स्टॉक टेकिंग के समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिजिकल स्टॉक पहले देखते हैं, फिजिकल स्टॉक में कितना स्टॉक हमारे पास क्लोजिंग बचा हुआ है और उसके बाद उसका वैल्यूएशन करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग स्टॉक टेकिंग से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पता करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग।